नेहरू नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रज्ञोत्सव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से प्रतिभागी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। सुबह से देर शाम तक जारी इस महासंग्राम में भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी के बाल साधकों के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। प्रतियोगिता के साथ ही उत्सव श्रेणी में भी बड़ी संख्या में नई उभरती प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। भरतनाट्यम के नृत्य एवं अभिनय के माध्यम से बच्चों ने एक बार फिर पौराणिक कथाओं के विशेष अंगों को प्रस्तुत किया, जिसे खूब सराहा भी गया। आज प्रज्ञोत्सव का कार्यक्रम जो है वो छठे दिन का कार्यक्रम है, जिस दिन कथक का आज परफॉर्मेंसेस हैं, सारी सोलो परफॉर्मेंसेस हैं और ये आज सुबह से चालू हुआ है। अभी तक 70 इंट्रीज हो चुकी हैं, 70, और ऑन द स्पॉट बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो हर वर्ष होता है, ये 12वां वर्ष है जो हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और विगत वर्षों के अनुसार इस कार्यक्रम में 1000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ या भिलाई शहर के ही नहीं वरन आसपास के प्रांतों से भी आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं। और ये कार्यक्रम एक बहुत ही सफल आयोजन है जो बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारी नृत्य का संगीत जो है जो विलुप्त होते जा रही है और वेस्टर्नाइजेशन जो होता जा रहा है, उस वेस्टर्नाइजेशन को का एक आधार जो है वो हमारी क्लासिकल डांसेस, इन सबको प्रमोट करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको आज दिख रहा होगा कि आज के पार्टिसिपेशन से और प्रतिवर्ष आने वाले इसके पार्टिसिपेंट्स की संख्या से समझ में आता होगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म पाना बहुत स्कूल लेवल पे और एक शहर के लेवल पे, भिलाई जैसे शहर के लेवल पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है ये। और हमारे स्कूल से और या ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने पे जो प्लेटफॉर्म मिलता है, ये इनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करता है। और हमारे शाला के, हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जो आज बॉलीवुड में ना सिर्फ एक एक्टर या एक्ट्रेस बल्कि म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर ऐसे के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है, मैं मानती हूँ। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को एक बेस देता है।